देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। उत्तरी भारत की सुविख्यात व सुप्रसिद्ध संस्था हंसराज महिला महाविद्यालय जालंधर के प्रांगण में संस्था के 95 वर्षों की सफलता पूर्ति पर 3 दिवसीय 95वां स्थापना दिवस प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती अजय सरीन जी के सदैव उत्साहपूर्ण मार्गदर्शन अधीन मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्व मंगल की कामना हेतु मंत्रोच्चारण कर प्रभु चरणों में प्रार्थना की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वरूप ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम जालंधर सरदार हरचरण सिंह, श्रीमती वाणी विज डायरेक्टर दैनिक सवेरा एवं सुश्री बीनू राजपूत उपस्थित रहे। इसी अवसर पर लोकल कमेटी से डॉक्टर पवन गुप्ता, श्री अशोक परूथी, श्री एसपी सहदेव भी उपस्थित रहे। इसी श्रृंखला में श्री सरदार जीत बाबा, श्रीमती सीमा सोनी और आरजे हिमांशु रेडियो सिटी से उपस्थित रहे। इस शुभ अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती अजय सरीन जी ने सभी आर्य बंधुओं एवं मातृ शक्ति का संस्था प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन किया एवं कहा कि एचएमबी संस्था सदैव अपने समक्ष आई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए 95 वर्ष पूर्ण कर प्रगति पथ पर नव उत्साह व नव चेतना से अग्रसर है। उन्होंने संस्था की स्थापना से लेकर अब तक संस्था की प्रगति में दिए प्रत्येक योगदान हेतु समस्त ऋषिजनों एवं पूर्व प्राचार्यों के प्रति नमन प्रस्तुत किया एवं कहा कि यदि संस्था इस स्वर्णिम मुकाम पर है तो ये सभी बुद्धिजनों एवं ऋषिजनों का शुभाशीष है। उन्होंने कहा कि एचएमवी संस्था छात्राओं का केवल शैक्षणिक विकास ही नहीं करती बल्कि सर्वांगीण विकास करने में भी सक्षम है। उन्होंने बताया कि संस्था रेडियो आवाज का विमोचन करने जा रही है, जिस हेतु उन्होंने मास कम्युनिकेशन विभागाध्यक्षा श्रीमती रमा शर्मा और श्रीमती ज्योति सहगल को बधाई दी। रेडियो ऐप की लॉन्चिंग प्रसिद्ध पंजाबी गायक फिरोज खान द्वारा की गई। फिरोज खान ने संस्था को इस प्रयास के लिए बधाई दी और मास कम्युनिकेशन विभाग को रेडियो के क्षेत्र में बढ़िया काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि संस्था की NSS ANO लेफ्टिनेंट सोनिया महेंद्रू की ओर से NCC हेडक्वार्टर के प्रयास से HMV चौक की स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमूर्ति की देखभाल का उत्तरदायित्व भी लिया गया है, जिसे संस्था पूर्णता श्रद्धा भाव से संपन्न करेगी। उन्होंने DAV प्रबंधकत्री समिति के प्रधान पद्म श्री डॉक्टर पूनम सूरी जी के संदेश आर्य बनो श्रेष्ठ बनो को भी सभी के साथ साझा किया। उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड श्री NK सूद चेयरमैन लोकल कमेटी जी के संदेश सदविचार अच्छा स्वास्थ्य व अच्छी मनोकामना का भी संदेश प्रेषित किया। सरदार हरचरण सिंह ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम जालंधर ने संस्था के 95वें स्थापना दिवस की बधाई दी एवं कहा कि HMV संस्था सदैव स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में अपना अतुलनीय योगदान प्रदान करती रही है। उन्होंने भविष्य में भी संस्था से सहयोग मिलने का विश्वास व्यक्त किया। श्रीमती वाणी विज डायरेक्टर दैनिक सवेरा ने भी संस्था के 95वें स्थापना दिवस पर बधाई दी और संस्था की ओर से किए जा रहे असंख्य प्रशंसनीय कार्यों की सराहना की। सुश्री बीनू राजपूत फिल्म निर्माता व निर्देशिका ने भी संस्था में आकर आभार व्यक्त किया एवं संस्था की पूर्व छात्रा होने के नाते संस्था से मिले संस्कार व ज्ञान के प्रति सदैव वचनबद्ध रहने को कहा।
भारत सरकार की ओर से उन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर भी चुना गया है। श्री सरदारजीत बाबा जी ने भी अपने संभाषण में संस्था के गौरवमय इतिहास की चर्चा की। संस्था में लगाए गए प्रयास बॉक्स से प्राप्त धनराशि में कॉलेज द्वारा समान धनराशि डालकर एक चेक डीन अकादमिक डॉक्टर कमलदीप कौर को प्राचार्य डॉक्टर अजय सरीन द्वारा सौंपा गया, जिसे छात्राओं के विकास में लगाया जाएगा। इस अवसर पर मीडिया सेक्टर की ओर से ई ट्री ऐप का विमोचन श्री जगजीत भाटिया एवं बॉटनी विभागाध्यक्षा डॉक्टर अंजना भाटिया के संरक्षण में किया गया। पंजाबी विभाग से श्रीमती कुलजीत कौर की पुस्तक बूंदा बनन समंदर का भी विमोचन किया गया। इसके साथ ही एचएमबी कॉलेजिएट स्कूल की ओर से इस अवसर पर सृजन पत्रिका एवं स्कूल प्रोस्पेक्टस का विमोचन श्रीमती मीनाक्षी सयाल एवं टीम श्री सुशील कुमार, श्रीमती लवलीन, श्रीमती अनुराधा ठाकुर व श्रीमती जसप्रीत के संरक्षण में किया गया। इस अवसर पर संस्था के कॉमर्स एवं डिजाइनिंग विभाग की ओर से युवा छात्राओं एवं नारी सशक्तिकरण को उत्साहित करते हुए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। रन फॉर लाइफ फिल्म का निर्माण हंसराज महिला महाविद्यालय के सहयोग से फिट इंडिया मूवमेंट भारत सरकार की ओर से बीनू राजपूत के निर्देशन में किया गया, जिसके अंतर्गत रन फॉर लाइफ का आयोजन एचएमबी चौक तक किया गया, जिसमें समस्त सदस्यों ने अपने दैनिक जीवन में कम से कम 30 मिनट तक अपने आप को फिट रखने हेतु समर्पित करने का प्रण लिया। समस्त समागम का आयोजन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कमलदीप कौर व को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अंजना भाटिया के संरक्षण में संपन्न हुआ। प्राप्त कर चुका है, लेकिन देखिए कितना वाइब्रेंट, कितना यंग। जोरदार तालियां एचएमवी के लिए आज के इस फाउंडेशन डे के लिए। रब की बात की है, न सबूत है न दलील है, न सबूत है न दलील है, ना कोई रीजन, ना कोई लॉजिक, ना कोई प्रूफ। मेरे साथ रब्बे जलील है, द ग्रेट गॉड इज विद अस। मैं अटूट प्यास, हमें कौन जुदा कर सकता है। मैं अटूट प्यास, तू झील है करुणा का सागर। तेरे रहमतों में कमी नहीं, मेरे एहतियात में ढील है। और तेरा नाम है कितना मुख्तसर रब, तेरा नाम है कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। तवील इज़ इलाबरेट। सो द सेम वे एचएमवी हमारा रब हमारे बीच दैनिक सवेरा ग्रुप से सुनहरी सवेर का एक प्रतीक वाणी जल तरंग सी वाणी। मैडम, थैंक यू मैडम फॉर बीइंग हियर विद अस। हमारे आशीर्वचनों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो आशीर्वचन देने के लिए हमारी अपनी मैनेजिंग कमेटी से बहुत ही खास, हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर पवन, साथ ही साथ श्री सहदेव जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅੱਜ, ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ 95 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਿਸ ਅਜੇ ਸਰੀਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। डॉक्टर अंजना की वाणी में एक ऐसा गुण है कि ये बहुत साधारण चीज़ को भी बहुत अच्छे से, प्यार से, इस तरह से प्रस्तुत करती हैं कि आपको ये तो एहसास होता ही होता है कि जो बख्शिश उस परमपिता परमात्मा ने आपके ऊपर करी है, उसके साथ ही साथ अंजना अपने तरीके से
कुछ और जिम्मेवारियां भी आपके कंधों पर ला देती हैं। अंजना, इस बहुत ही प्यारे से भाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी कोई ऐसा मौका आया हो कि हमने शीतल जी को और वाणी जी को ये कहा हो कि आपकी प्रेजेंस फिजिकल रूप में आज हमारे बीच में जरूरी है और इन्होंने हमें कभी मना किया। किसी तरह का प्यार, इसी तरह का आभार, इसी तरह की गार्डियनशिप हमें हमारे एलएमसी मेंबर्स से मिलती है। मुझे मालूम है कि डॉक्टर पवन कितने फोन अटेंड कर चुके हैं अपने क्लिनिक से, लेकिन ये इनका प्यार है, ये श्री सहदेव जी का स्नेह है, ये श्री परुथी जी का हमारे लिए अपनापन है, ये दूरदर्शन से आए हुए डायरेक्टर सर का हमारे लिए स्नेह है। HMB कॉलेज, ये मेरे लिए, मैम ने बोला, सच में ये मेरा घर है। मेरा, मुझे यहाँ आके ऐसा लगता है कि मैं सच में अपने मायके आई हूँ। HMB कॉलेज, आज मैं मिस फाउंडेशन डे पे मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ, इस संस्थान के कारण हूँ। इस कॉलेज ने जो मुझे संस्कार दिए, जो रास्ता दिखाया, उसी के कारण। अदरवाइज़ यहाँ से आगे जाना काफ़ी मुश्किल होता। इस कॉलेज में हमेशा मेरे टीचर्स ने मेरे हर तरह से मुझे मार्गदर्शन किया, और आज फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ से मुझे एक छोटा सा दायित्व ये प्रदान किया गया है कि मैं फिटनेस को प्रमोट करूं, क्योंकि कोविड का टाइम है, सबको मैं इनकरेज कर सकूं कि एटलीस्ट 30 मिनट्स हम अपनी फिटनेस के लिए निकालें। टीचर्स, द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स हु गेव मी सच अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। हवन तो हम अपने घर में भी रोज करते हैं, पर यहाँ पे जो हवन मैंने किया और मैंने श्लोक उस छोटी सी बच्ची से सुने टीचर से, बिल्कुल उसने कंठ किए हुए थे। और मैं मैम को कह रही थी कि मैम, मैं 10 साल पहले भी यहाँ आई हूँ, और मैं हवन, उस टाइम पूरे हवन पे बैठी नहीं थी, सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट रुकी और मैं चली गई। लेकिन प्रिंसिपल मैम ने एक एक शब्द जो कंठ किए, दैट वाज अमेजिंग। आई हैव नेवर सीन अ प्रिंसिपल, एक एक कंठ जो उन्होंने ये हवन यगन के बोले हैं, वो मैंने पहली बार किसी एक प्रिंसिपल के मुख से सुने हैं। Thank you so much for ma'am for giving me this honor and coming here. And indoor ambience में मैंने बहुत कुछ अच्छा देखा, इनके बड़े बड़े functions देखे, पर आज जो outdoor में देखा, that is more amazing. I think it is so nice sitting in the nature and doing the hawan. कुछ भी पाना या करना, कितनों के तो जिंदगी विच एक चिन्ह लगती है, तो मेरा ख्याल है वो तुहानूं हमेशा जिथों तुसीं शुरू करते हो उतों ही उतने लगती है, कि फिर तुसी एक रोशन मिसाल बन के जिंदगी दे विच मसाल वांग जगते रहिंदे हो, ते मिसाल ही बन जाते हो। मैं ये अपनी जिंदगी दे तजर्बियां तो कुछ कहांगा, क्योंकि बुजुर्गों का काम होता है बच्चों को शिक्षा देने, और कई बार बच्चे इसनों इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, पर मैनू इसका मान हासिल है। मेरे ख्याल HMB ते जलंधर एक दूजे दे साइनोनिमस ही हैगे, किसी नूं दसण दी जरूरत नहीं पैंदी कि तुसीं कित्थे जा रहे। कहिंदे मैं HMB जा रहा, तां अगला समझ जांदा जलंधर ही जा रहे, कितें भी गल कर लो। सो HMB दी जिहड़ी कंट्रीब्यूशन हैगी है, एक समाज दे विच एक वधिया सिटीजनस देण दी, एक वधिया इंसान पैदा करन दी, उह हमेशा अगड़ी रही है। स्टूडेंट्स तो सारी संस्थावां पैदा करी जांदी, लेकिन इंसान पैदा करने जिहड़े ओह किसी किसी संस्था के हिस्से दे विच आउंदा। ते HMB दा काफ़ी वड्डा इहदे विच रोल है, जिस तरह एलुमनी बैठे हुए हैं इत्थे, राजपूत बेटी साडी, तां होर भी जिथे जिथे भी जिहड़े जिहड़े भी फील्ड विच गल करो, HMB दे स्टूडेंट्स दा कंट्रीब्यूशन उत्थे तुहानूं मिलदा है। मोदी जी ने बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई है टू स्टे फिट, और यहाँ पे हमारे बीनू राजपूत जो हैं, उनको वो भी एक बहुत अच्छा ये उपराला स्टार्ट कर रहे हैं। शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ HMV कॉलेज, एंड यहाँ से उनको सब कुछ की प्राप्ति हुई है, और ये बहुत अच्छी उन्होंने एक मुहिम चलाई है टू स्टे फिट, फिट इंडिया, राइट, फिट इंडिया, न्यू इंडिया, फिट इंडिया। सो इट इज़ applicable for all the women's and everybody itself,
कि थोड़ी सी स्ट्रेस, सबको स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, उसमें थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और हसीन बनाने के लिए, फिट रहने के लिए, कीप रनिंग एंड डू योगा एंड बी अ स्ट्रेसफुल लाइफ। थैंक यू। हंसराज महिला महाविद्यालय के आज स्थापना दिवस के ऊपर मैं देखने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ उस विश्वास के लिए जो आज 96 वर्षों से हंसराज महिला महाविद्यालय को एक उच्चतम दर्जे के शिक्षा संस्थान होने के नाते मिला है। मेरा शत शत नमन उन सभी प्रिंसिपल्स को, उन सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सुनहरी हिस्से इस संस्था को दिए हैं, जिसकी बदौलत ये संस्था आज भारतवर्ष की चुनिंदा संस्थाओं में से एक है। आज के दिन मैं डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान डॉक्टर पूनम सूरी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनका वर्धस्व हाथ हमेशा हम लोगों के सिर पर रहता है, जिसकी बदौलत हम आर्य बनने के प्रयास में हमेशा काम करते रहते हैं। मेरा धन्यवाद का यही भाव हमारे लोकल कमेटी के चेयरमैन और तमाम मेम्बरान्स के लिए भी है, जो समय समय पर हमें गाइड करते हैं। और अगर आज के दिन मैं अपने बच्चों को मुबारकबाद ना दूं, तो शायद मैं अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रही होंगी। सो मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के सदस्यों को, और साथ ही साथ सपोर्टिंग स्टाफ के सदस्यों को, जिसकी बदौलत हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना वर्ल्ड क्लास हेरिटेज सिस्टम मेंटेन कर पाते हैं। कुल जी, मैं अज इतों के एच एम बी के प्रिंसीपल मैम का बड़ा धन्यवाद करदा और सारे ग्रुप का बहुत शुक्रिया अदा करदा कि मैं इस प्रोग्राम दे विच उन्होंने मौका दिता। एक जड़ा रेडियो की इनोग्रेशन हुई हैगी अज, आवाज़ से है परवाज़, रेडियो आवाज़, वो मैं बहुत ही अच्छा लग्या कि कॉलेज के विच या इंटरनेट के उत्ते ये रेडियो जाएगा तो तुम सुन सकते हो इस रेडियो नू, और एक कॉलेज के विच भी अच्छे अच्छे गीतों का माहौल, संगीतक माहौल होएगा। सानू आर्टिस्ट लोगों को होर की चाहिए होंगे, है ना, कि साढ़े गीत हर जगह चलते हो। बिल्कुल, सब तो पहला तो मैं अज एच एम बी जिहड़ा कि साडा एक आइकोन है कॉलेज संस्थावां दे विच, इहदा अज 95th इहदा अज स्थापना दिवस है। मैं अपने वालों म्युनिसिपल कारपोरेशन जलंधर वालों इस संस्था नूं शुभकामनावां दिंदा, इन्हां दी अगू वधिया भविख की मैं कामना करदा। दूसरा, मैं बच्चों नूं ये कहांगा कि एच एम बी कॉलेज जिहड़ा है, तुहानूं एक जिहड़े बच्चे इत्थे पढ़ रहे हैं उन्हां नूं कह लो कि उन्हां वास्ते एक लाइफ टाइम एक मौका उन्होंने मिलया, इस तों वधिया संस्था उन्होंने नहीं मिल सकदी इत्थे कोई। सो इत्थे रह के उन्हां दी परसनैलिटी का हारमोनीअस ते मल्टीलैटरल जिहड़ा डिवैलपमेंट उन्हां दी जिहड़ी परसनैलिटी उहदी होणी है, किसी भी फील्ड में चूज कर सकते हैं, हर एक फील्ड में जाने वास्ते उन्होंने कोल इत्थे अपॉर्चुनिटी है। जालंधर से कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ विनय शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94 46 84374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने, 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाह प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, इक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 788 0 45 85 588 38 617।